गुफा के निकलना पड़ रहा है पूरा, आप देख सकते हैं काफी छोटा रास्ता हो चुका है, समझ सकते पुरानी दिल्ली के आंचल में छुपा एक अनचाहा गेट, या कह सकते हैं छुपा हुआ गेट। दोस्तों दुनिया में आपने या दिल्ली के अंदर आपने बेंतिया गेट देखे होंगे, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और भी जो मुगल काल के ना दुनिया में, लेकिन दिल्ली के आंचल में छुपा हुआ एक कलकत्ता गेट भी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पुरानी दिल्ली के आंचल में छुपा एक कलकत्ता गेट है जिसके बारे में को बस कुछ ही इतिहासकार जानते हैं दोस्तों। आज मैं उसी कलकत्ता गेट के पास आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कलकत्ता गेट, जिस किसी समय में जिसकी ऊंचाई लगभग दिल्ली गेट के बराबर हुआ करती थी, आज वो पूरा ज़मीन के अंदर धसा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कलकत्ता गेट के बारे में बताऊँगा, ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया और किस कारण से बनवाया, वो सब चीज़ मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कलकत्ता गेट है, इसके दो रास्ते हुआ करते थे, एक रास्ता आज भी खुला हुआ है, आप सामने देख सकते हैं जाने का रास्ता है, लेकिन इसकी हाइट बहुत छोटी है और एक रास्ते को बंद कर दिया गया दोस्तों, ये भी रास्ता उसी रह जाता है और ऊपर से गुजरती है दोस्तों ट्रेन आज भी। और दोस्तों ये जो गेट है ये उसी रेलवे लाइन से, पुरानी दिल्ली की रेलवे लाइन से होता हुआ गुजरता है। और दोस्तों ये बनवाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा 1852 के अंदर, समझ सकते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन इसे बनवाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा 1852 के अंदर, वो भी बहुत से अमीरों के दबाव में आकर इस गेट को बनवाया गया था, जो दिल्ली के व्यापारी हुआ करते थे, कुछ बैंकर्स हुआ करते थे और कुछ ठाकुर वगैरह जो बड़े बड़े उस टाइम पे हुआ करते थे, जो एक मतलब एक मजबूती दिल्ली के अंदर रखा करते थे, उन्हीं के दबाव में आकर अंग्रेज़ों ने इस गेट का निर्माण किया था। वो क्यों किया था वो आगे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आप पहले इस कलकत्ता गेट को देखिए, इसमें ना लाहौरी ईंटों का काम हुआ हुआ पूरा और ऊपर कलकत्ता गेट भी लिखा हुआ दोस्तों, देख सकते हैं। और ये एक रास्ता पीछे जा रहा है, ये पूरा बंद हो चुका है और ये अंदर से पूरा ऐसी है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गेट सिर्फ इतना ही है जितना मैं चल रहा हूँ, मेरी हाइट के बराबर का बचा हुआ है बस। ये देखिए पूरा गेट पर इतना ही बचा हुआ है, और ये लाल किले के पीछे निकलता है दोस्तों, ये ऐसा देखने में पूरा। और दूसरा रास्ता ये जा रहा जो बंद हो चुका है उधर की साइड से, और इधर ये पूरी मार्केट खुल जाती है, लाल किले के पीछे वाली मार्केट है दोस्तों, ये पूरी लाल किले के पीछे वाली मार्केट। मुझे सर झुका के निकलना पड़ रहा है पूरा, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा रास्ता हो चुका है, समझ सकते हैं। और ये बच्चा भी जा रहा है सामने और उधर पूरी बस्ती बसी हुई है दोस्तों, देखिए राइट दोस्तों गुलाम बारा के अंदर अंग्रेज़ों की राजधानी सर्दी में कलकत्ता हुआ करती थी और गर्मी में शिमला हुआ करती थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति आई तो अंग्रेज़ों की एक योजना थी कलकत्ता हावर ब्रिज को मतलब रेलगाड़ी तक जोड़ने की, लेकिन दोस्तों उसके बीच में काफ़ी कठिनाई आने लगी क्योंकि रेलगाड़ी को मेरठ से होते हुए गुजरना था, लेकिन इसी दौरान बीच में दिल्ली भी पड़ रहा था। तो दिल्ली के व्यापारियों ने और बैंकर्स ने और काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों ने या उस टाइम जो लखपति वगैरह हुआ करते थे, उन सब ने दिल्ली से होकर गुजारने के मारे अंग्रेज़ों पर दबाव डाला। वही कारण बना जब 1852 के अंदर यहाँ पे एक कलकत्ता गेट बनाया गया। जैसे कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि दिल्ली गेट दिल्ली की तरफ निकलता, कश्मीरी गेट कश्मीर की तरफ निकलता था, अजमेरी गेट अजमेर की तरफ निकलता था, लाहौरी गेट लाहौर की तरफ होता था। तो उसी तरह कलकत्ता गेट का मकसद भी ये था कि इसका रुख कलकत्ता की तरफ निकले, लेकिन इस बीच काफ़ी कठिनाई आई क्योंकि अंग्रेज़ किसी की नहीं सुनते थे उस समय में, समझ सकते हैं। तो कुछ कठिनाई और दबावों के कारण 1867 के अंदर आधी रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच इसके ऊपर से पहली रेल यात्रा की गई, और उसी के बाद
दिल्ली में बना था पुराना रेलवे स्टेशन, समझ सकते हैं। तो ये कुछ छोटा मोटा इतिहास था दोस्तों इस कलकत्ता गेट के बारे में। और जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है या कलकत्ता गेट दिखाया है, ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, छोटा सा इतिहास है जो मुझे आप तक शेयर करना था। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यहाँ पे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरी एक बस्ती बसी हुई दोस्तों एक ही साइड, और ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग करने। जब तक ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।